दोस्तों गूगल ने गुजरात के एक बंदे का ईमेल अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अब वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने अपने गूगल ड्राइव के ऊपर एक नंगे बच्चे की वीडियो अपलोड कर दी थी और उसके बाद में उस बंदे की डेयरिंग देखो, वो गुजरात हाई कोर्ट में भी पहुंच गया कि भैया मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है गूगल ने, मेरा ईमेल अकाउंट बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, अब मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ अपना प्राइमरी ईमेल जो कि इतने सालों से मैं यूज कर रहा था। इन्होंने सिर्फ मुझे चाइल्ड अब्यूज के केस के अंदर ब्लॉक कर दिया है। अब आप कहोगे भाई गुजरात हाई कोर्ट ने तो इस बंदे को अरेस्ट करवा दिया होगा, ये करवा दिया होगा। नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने तो सीधा ही गूगल को ही नोटिस भेज दिया कि भैया ये क्या ड्रामा लगा रखा है आपने, एक बच्चे की नंगी वीडियो इसने क्या अपलोड कर दी, तुमने उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, ये सब नहीं चलेगा भैया, अनब्लॉक करो। अब आप कहोगे भैया ये कैसे हो गया। दरअसल वो वीडियो उस ही बंदे की थी जो कि पुरानी वीडियो थी कि भैया उसकी दादी नहला रही होगी उसको, तो वो एक पुरानी वीडियो थी। आपको पता होगा भाई पुराने टाइम के वक्त में क्या होता था कि भैया दादी अम्मा ही नहलाया करती थी बच्चों को, और जिस तरीके से नहलाती थी तो भैया एक आध लग भी जाता था कि सीधा खड़ा रहे सही से नहा ले, और जब सर धोया जाता था तो भैया सर तो पूरा ही हिला देती थी, तो इस तरीके से होता था। अब इनको लगा ये चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, ऊपर से बच्चा नंगा है, तो इन्होंने पूरा ही ब्लॉक कर दिया, जबकि वो उसी बंदे की वीडियो थी पुरानी जो कि उसने संभाल के रखनी चाहिए कि चलो गूगल ड्राइव पे रखूंगा तो संभाल के रखी जाएगी, हार्ड ड्राइव वगैरह तो करप्ट भी हो जाती है, लेकिन इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया उसका ईमेल अकाउंट, जिसके लिए अब वो फाइट लड़ रहा है। दोस्तों बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आदत लग चुकी है घर में ही बैठ के काम करने की, उनको रिमोट वर्क की आदत ऐसी लगी है कोविड के टाइम से कि उन्होंने कहा कि भैया ऑफिस आने की क्या ज़रूरत है, एक दो दिन बुला लो, बार बार ऑफिस बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं आपका काम करके तो दे रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए अब कई सारी कंपनियों ने ये प्लान किया है, इंक्लूडिंग डेल। डेल ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मेरे कोई भी एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं मिलेगी अगर वो रिमोट वर्क कर रहा है, करता रहे सारी ज़िंदगी करता रहे, कोई हमें टेंशन वाली बात नहीं है, काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो कि ऑफिस आएंगे बजाय घर पे बैठ के काम करने के, कि भैया दूसरे काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं और ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इंडिया के अंदर भी फ्लाइंग टैक्सी बहुत ही जल्द आने वाली है, मुश्किल से 5-6 महीने और लगने वाले हैं जिसके बाद में इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन चाइना की एक कंपनी है जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे पहली सर्टिफाइड फ्लाइंग टैक्सी कहलाते हैं, जिनका नाम है ई हैंग, जिन्होंने शुरुआत कर दी है अपनी फ्लाइंग टैक्सी की सेल की। इन्होंने 2014 में शुरुआत करी थी अपनी इस टैक्सी की, जहां पर 40,000 किलोमीटर की टेस्ट राइड कर भी चुके थे तब तक, उस वक्त तक, और अब तक तो पता नहीं कितना कर दिया होगा। और अब इस फ्लाइंग टैक्सी को जिसका मॉडल है EH216S, इसको ये 3 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, जिसके अंदर 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी अगर डिस्टेंस की बात करोगे कितना दूर जा सकती है, भाई एक चार्ज के अंदर ये 35 किलोमीटर तक जा सकती है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर/घंटे की स्पीड तक जा सकती है, लेकिन इसके अंदर ये है कि भाई जितने बंदे बोले हैं उतने ही बैठाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे इंडिया के अंदर होता है ना 3-4 बैठ जाते हैं 2 की जगह पे भी, तो वैसा नहीं करना है वरना इसकी रेंज और भी कम हो सकती है और हादसे भी हो सकते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रहने के लिए हर दिन कम से कम नहीं तो 2-3 लीटर पानी की जरूरत होती है, हालांकि लोग इससे ज्यादा भी पीते हैं, लेकिन हम तो नॉर्मल लोग हैं तो इतना ही पी के गुजारा कर लेते हैं, डिपेंड करता है ना भाई बॉडी का साइज कितना है, अभी तो नहीं है बॉडी हमारी कम है और पी ले वही 4 लीटर पानी जो कि सबने तय कर रखा है, तो 2-3 लीटर इनफ रहता है। लेकिन 50 साल से ब्राज़ील का ये शख्स जिनकी उम्र 70 साल है, इनका नाम है रॉबर्ट पेडीरिया, जिन्होंने 50 सालों से पानी नहीं पिया है, ये सिर्फ कोका कोला पे जी रहे हैं। इन्होंने बताया कि भाई जब मैं 20 साल का था तब से लेकर अब तक मैं पानी के नाम पर कोका कोला की बोतल लेता हूं और वही पीता चला जाता हूं। और जो भी लोग कहते हैं ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं ये हेल्दी नहीं है वो नहीं है, सही कहते हैं वो, क्योंकि इनको डायबिटीज़ भी हो रखी है, इनको हार्ट डिजीज़ भी हो रखा है, लेकिन फिर भी ये इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो है कोका कोला पीने की बजाय पानी पीने की। तो इनका तो चल रहा है, खैर 70 साल उम्र हो चुकी है और पीते पीते इतना टाइम निकल गया है, तो मतलब बढ़िया है और क्या चाहिए। यहाँ तो सालों सोचना पड़ता है कि भाई चाय में चीनी ज़्यादा हो गई थी, पता नहीं कल क्या होगा।
और ये बंदा 50 सालों से लगा हुआ है। दोस्तों एक महिला है इजाबेल नाम की, जो एक फैशन डिजाइनर है, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रखी है देश विदेश के अंदर, जहां पर वो फिश लेदर बनाती है कि भैया मैं फिश लेदर से तरह तरह के डिजाइनर ड्रेसेस बना देती हूँ, पर्स बना देती हूँ, बेल्ट बना देती हूँ, तो इस तरीके की चीजें बना देती है जिसको वो बताती है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो सब ठीक है, लेकिन कभी आप फिश मार्केट गए हो किस तरीके की स्मेल आती है? इनके प्रोडक्ट में वैसी ही स्मेल आती है। इंटरनेट पे लोग ले तो लेते हैं कि भाई क्या चीज दिख रही है, क्या फोटोग्राफी है, मतलब DSLR कमाल कर देता है अपना, फोटोग्राफी बढ़िया हो जाती है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बंदे के पास में पहुंचता है तो भैया कितने ही परफ्यूम उस पे मार लो, जो उसका फिश वाला स्मेल होता है ना, वो जाता नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, बैंगलोर के लिए अच्छी खबर ये है कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर फाइनली जीत चुकी है, यानी कि RCB की जीत हो चुकी है। लेकिन आप कहोगे IPL तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, जब दरअसल WPL चल रहा था, जो कि महिलाओं की लीग थी, जिसके अंदर कोलकाता की भी टीम थी, बैंगलोर की भी टीम थी, दिल्ली की भी टीम थी। तो मैच हुआ जिसके अंदर महिलाओं की टीम ने बाजी मार दी, जो कि RCB की थी। अब यहाँ पर IPL की जो टीम है RCB की, भैया वो दुख मना रही है कि 16 साल से जो काम हम एक बार नहीं कर पाए, इन महिला टीम ने एक बार में ही कर दिखाया। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई अब इन महिला टीम को ही ले लो IPL के अंदर, क्या पता इन्हीं का लक चल जाए और यही जितवा दे, क्योंकि 16 साल से मेल से तो कुछ नहीं हुआ।